गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 11th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो पिछले चैप्टर में हमने बात कर ली थी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के हॉर्मोन्स हैं। बेटो बेटा, हम पढ़ क्या रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स। तो कितने प्रकार के आपके प्लांट हार्मोन्स हैं और वो कहाँ कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, यानी उनका सोर्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाने की कोशिश की थी मैंने। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक एंड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। दैट इज व्हाट डिस्कवरी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन। देखिए, जान के आपको हैरानी होगी कि जितने भी यहाँ हम प्लांट हार्मोन पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे प्लांट हार्मोन बेटा जी एक्सीडेंटली उनका डिस्कवरी हुआ था। कैसे बेटा? एक्सीडेंटली इनकी डिस्कवरी हुई थी, सारे पांचों ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, अब्सिसिस एसिड, इथाइलिन, सभी की डिस्कवरी क्या थी बेटा? कैसी थी? एक्सीडेंटली, यानी काम कुछ और हो रहा था, हो कुछ और गया। जैसे आपको याद होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब, ठीक है ना, वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, और भैया उन्होंने देखा कि मान लीजिए एक हफ्ते छोड़ के चले गए तो वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ मोल्ड्स यानी कि फंजाई जन्म ले ली थी और वो बैक्टीरिया को किल कर रहे थे। तो उन्होंने उससे बताया पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस डेवलप हुआ था जिससे क्या रिलीज हो रही थी? पेनिसिलिन। तो बेटा जी सोचिए, अगर ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी ना होती तो आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में ना जान रहे होते। उसी तरह से आप ये जितने भी प्लांट हार्मोन पढ़ने वाले हैं बेटा जी, ये सब की डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी। कैसी हुई थी? एक्सीडेंटली, या एक टर्म होता है, कई बार मैंने देखा इसको जिपमर में ये टर्म पूछा हुआ था और एम्स में, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब वही होगा एक्सीडेंटल डिस्कवरी, क्लियर है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं द वेरियस टाइप ऑफ डिस्कवरीज, क्लियर है जी। किसने क्या डिस्कवर की, किसने कैसे देखा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक पॉइंट में समझने वाले हैं, क्लियर है जी। तैयार हैं आप? आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। देखिए, सबसे पहले डिस्कवरी जानने से पहले मैं दो टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं भी पढ़ता था बेटा तो मैं पढ़ के निकल जाता था, व्हाट इज दिस कोलियोप्टाइल, ये कोलियोप्टाइल क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं था, बस मैंने रट्टा मार लिया था कि भैया हाँ कोलियोप्टाइल में, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में। मैं रट्टा नहीं मारने दूंगा, यहाँ पे आपको बेसिक से समझाऊंगा कि भैया कोलियोप्टाइल क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा, क्लियर है जी, समझिएगा। देखिए, मैंने बताया था सीड, सीड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्लीम्यून और दूसरा होता है बेटा जी रेडिकल, ठीक है जी। और मैंने आपको बता रखा है रेडिकल जो होता है वो रूट फॉर्मेशन करता है और प्लीम्यून जो होता है वो शूट फॉर्मेशन करता है। अब जरा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये रूट है, रूट के एकदम टॉप पोजीशन पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रास्ता तैयार करता है रूट के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं बेटा जी? रूट कैप को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं बेटा जी? रूट कैप इज नोन एज कोलियोराइजा, COLEORIZA, कोलियोराइजा। उसी तरह से बेटा जैसे सूट होगी, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा, सूट के ऊपर पे भी, टॉप पे भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूट कैप, और उसी सूट कैप को बोला जाता है बेटिया कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोलियोप्टाइल, नोट डाउन कर लीजिएगा। रूट कैप इज नोन एज कोलियोराइजा और भैया सूट कैप इज नोन एज कोलियोप्टाइल, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सीड, सीड के दो हिस्से प्लीम्यून और रेडिकल, प्लीम्यून जो होता है सूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट फॉर्मेशन, याद हो जाएगा आपको। मैंने बताया कि जो रूट की कैप होती है, रूट के एकदम फ्रंट पोजीशन पे, एंटीरियर पोजीशन पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे बेटा? कोलियोराइजा। उसी तरह से सूट के टिप पे भी
क्या होगा बेटा, एक कैप होगी जिसको हम लोग बोलते हैं सूट कैप या कोलियोप्टाइल। तो ये कोलियोप्टाइल को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में कोलियोप्टाइल कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा एट द टिप ऑफ द सूट। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, नो डाउट करिएगा इस बात को। फिर जैसा कि मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग बात है ये जानने वाली कि जो भी डिस्कवरी हुई, पांचों के पांचों, फाइव के फाइव मेजर जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, जो PGR हैं, इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी। कैसी हुई थी? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब सेरेंडिपिटी, यानी वर्क कुछ और हो रहा था, हो कुछ और गया, लेकिन कुछ अच्छा ही पता चला। तो दाग अगर क्या बेटा, दाग अच्छे हैं, जब आप कर्म अच्छा करोगे तो दाग भी आपके अच्छे माने जाएंगे। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द फाइव मेजर ग्रुप्स ऑफ PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। कैसे डिस्कवरी हुई थी? एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। क्लियर है जी? देखिए सबसे पहले जो इस चीज को स्टार्ट किया था, देखिए बेटा बच्चे काफी डरते हैं इनके नाम से, चार्ल्स डार्विन। क्योंकि अगर आप 10th पास आउट करके आए होंगे तो आपको जेनेटिक्स चैप्टर मिला होगा, और उस जेनेटिक चैप्टर में पूरी चार्ल्स डार्विन के बारे में भी आप जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, हेरिडिटी की बात करूँ तो चार्ल्स डार्विन आप फेमिलियर हैं उनसे। डार्विन ने बहुत सारी थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी थ्योरी दी थी, नेचुरल सेलेक्शन, ये सब कुछ बताया था। तो यहाँ भी वही है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन और उनके सुपुत्र यानी उनके पुत्र, ठीक है जी, दोनों ने मिलके क्या किया, जरा देखिएगा। ऑल दिस स्टार्टेड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। कौन है बेटा? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों ने मिलके क्या किया, व्हेन दे ऑब्जर्व, देखिए उन्होंने क्या किया, कैनरी ग्रास होती है, कैनरी ग्रास के टॉप पोजीशन पे, कहा मैंने बोला ये है कैनरी ग्रास का टॉप पोजीशन, यानी बेटा है क्या, कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल, अभी तो बताया सूट टिप। तो कोलियोप्टाइल लिया उन्होंने कैनरी ग्रास का, और वहां पे एक सिंगल डायरेक्शन में लाइट को इलोंगेट कराया, उसके ऊपर डाला, सिंगल डायरेक्शन में, ऐसे नहीं मल्टी डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, एक सिंगल पार्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट आ रही थी। देखिए उन्होंने इस डायरेक्शन से लाइट को डाला, ये कोलियोप्टाइल यानी कि टिप ऑफ द कैनरी ग्रास पे। तो देखने को क्या मिला उन्हें कुछ समय बाद, कि बेटा ये जो कोलियोप्टाइल है ये बेंड कर गया टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। किस डायरेक्शन में बेंड कर गया बेटा? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है जो क्या कर रहा है बेटा, ये कोलियोप्टाइल वाले पोर्शन को क्या कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, ताकि वो मोड बेंड कर जा रहा है किसकी तरफ, बेसिकली लाइट की तरफ। ये एक्चुअली में केमिकल है क्या, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि हाँ कोई ना कोई केमिकल इस कोलियोप्टाइल के पास में है जो ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिटेबल यानी जो ट्रांसमिट हो रहा है, बेसिकली इधर से इधर डायरेक्शन में इसको इलोंगेट करा रहा है। क्या करा रहा है बेटा जी? इस डायरेक्शन में इलोंगेट कराने का काम कर रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसमिटेबल है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है और वो इसकी ग्रोथ करा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बता पाए कि हाँ भैया इस केमिकल का नाम क्या है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हाँ कोलियोप्टाइल बेंड कर रहा है किसके डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल लाइट जब उसे दे जा रही है तो उसकी डायरेक्शन में ये बेंड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ केमिकल है उसके पास जो कि ट्रांसमिट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन कौन सा केमिकल है वो नहीं बता पाए। क्लियर है जी? देखिए ऑल दिस स्टार्टेड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल सुटिप ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्ड टू द यूनिलैटरल एलिमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट सोर्स। ग्रोथ किधर हुई है? लाइट सोर्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, फोटोट्रोपिज्म। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल का एकदम ऊपर वाला भाग, वॉज द साइट, वहीं पे वही साइट है, ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज बेंडिंग ऑफ इंटायर कोलियोप्टाइल। यहीं से
कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, यही साइट है, कोलियोप्टाइल ही साइट है जहां पर कुछ ना कुछ केमिकल ट्रांसमिट हुआ है जिसकी वजह से वो कोलियोप्टाइल बेंड कर गया है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये केमिकल कौन सा है ये नहीं बता पाए। तो पहली बार प्रयास किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, और किसने भैया? उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने इस फिनोमिनन को बताया। किसमें बेटा? कैनरी ग्रास में। किस ग्रास में? कैनरी ग्रास में। क्लियर है जी कि जो भी कोलियोप्टाइल होता है वहां पे कुछ तो ऐसा केमिकल है जो उनको मदद करता है बेंड करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन वो केमिकल क्या है ये वो नहीं बता पाए। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। चलिए दोस्तों, तो आइए देखते हैं जो डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहला हार्मोन जो यहां दिखाने वाला हूं मैं वो है बेटा जी ऑक्सिन। मेरा क्या औकात, मैं कहां दिखाऊंगा, ऑक्सिन डिस्कवरी पहले ही हो चुकी है। ठीक है जी, ऑक्सिन की डिस्कवरी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग डिस्कवरी दी हुई है, कुछ डाटा नहीं दे रखा है। ठीक है जी, लेकिन मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में डिस्कवरी कैसे हुई थी ऑक्सिन की। पहले पढ़ लेते हैं, ऑक्सिन की डिस्कवरी या ऑक्सिन को आइसोलेट किया था FW Wendt ने। किसने आइसोलेट किया था बेटा जी? FW Wendt नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। कहां से? तो याद रखिएगा, फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। किसने निकाला था? ओट की जो सीडलिंग होगी उस पे स्टडी की थी और तब उन्होंने ऑक्सिन की डिस्कवरी को वेरीफाई किया था। ओट सीडलिंग ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन और उनके बच्चा फ्रांसिस डार्विन किस पे डिस्कवरी किए थे भैया? ध्यान रखिएगा, वो उन्होंने बताया कि हाँ कोई ना कोई केमिकल ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन बताने पे कौन है। और क्या बोला था भैया, किस पे किया था? कैनरी ग्रास पे। ये जो FW Wendt है इन्होंने आइसोलेट किया किसको बेटा? ऑक्सिन को, फ्रॉम द ओट सीडलिंग। ओट को बोला जाता है एविना ग्रास भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा जी? एविना ग्रास। और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग बोलते हैं एविना सटाइवा। क्या बोलते हैं बेटा? एविना सटाइवा। क्लियर है जी? देखते हैं डिस्कवरी कैसे। देखिए, ये मैंने ले लिया कोलियोप्टाइल ऑफ एविना, यानी बेसिकली यही भैया ओट है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, इसकी टिप को, जो आप यहां टिप देख पा रहे हो कोलियोप्टाइल ऑफ एविना ग्रास की या ओट की, टिप को मैंने अलग कर दिया। तो टिप को जब अलग करते हैं ये प्रोसेस होता कहलाता है डीकैपिटेशन। क्या बोलेंगे बेटा जी? इसका मैंने क्या कर दिया? डीकैपिटेशन कर दिया। डीकैपिटेशन कर दिया यानी इसकी कैप जो थी ऊपर वाली सूट जो कैप है उसको अलग कर दिया। ये आपका हो गया, यहां पे आ गया सूट कैप, यानी ये आपका सूट टिप जो थी इसको मैंने अलग कर दिया और जो बचा हुआ प्लांट है उसको अलग कर दिया। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, दिख रहा है बेटा जी? ध्यान से देखेंगे मैंने क्या किया है, डीकैपिटेशन। जब आप ध्यान से देखोगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। मैंने क्या किया, कोलियोप्टाइल जो कि पहले बेंड कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट में बेंड करेगा, इसको मैंने क्या किया, इसके कैप को यानी कोलियोप्टाइल को काट के अलग कर दिया और जो नीचे वाला पार्ट है उसको काट के अलग कर दिया। फिर मैंने क्या किया, देखिए अब ये जो सूट टिप है इसको ले गया और अगार एक न्यूट्रिएंट मीडियम है। अगार क्या है? एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको ले गया ये आपका अगार ब्लॉक, अगार ब्लॉक के ऊपर ले गया, जितनी भी टिप्स थे उनको हमने क्या किया बेटा, अगार ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपकी सूट टिप हो गई।
इससे क्या हुआ बेटा, जैसे ही सूट टिप को मैंने अगार ब्लॉक पे रखा तो जो कुछ केमिकल्स मौजूद थे, जो मौजूद थे किसमें, सूट टिप में, वो केमिकल्स लिबरेट करके कहाँ आ गए बेटा जी, आपके अगार ब्लॉक के साथ में डिफ्यूज हो गए। क्या हो गया बेटा, डिफ्यूज हो गए। अब मैंने क्या किया, इस अगार ब्लॉक को तोड़ा, कट दिस अगार ब्लॉक इन टू पीसेस, इसको हमने बेटा जी पीसेस में बांट दिया, एक दो तीन अलग अलग ब्लॉक में काट दिया। अब जो केमिकल आपके सूट टिप पे था, कोलियोक टाइप पे था, वो अगार ब्लॉक के अंदर में आ चुका है, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर मैं इन अगार ब्लॉक्स को ले गया और ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, यानी कि जो आपका एविना ग्रास थी उसका जो कटा हुआ पार्ट है, इसको मैं लेके यहाँ पे आया, ठीक है जी, और इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया अगार ब्लॉक को, इसको प्लेस कर दिया, अगार ब्लॉक को प्लेस कर दिया आपके बचे हुए पार्ट जो था एविना का उसके ऊपर। फिर मैंने क्या की, इसके ऊपर यूनिडायरेक्शनल लाइट को एल्यूमिनेट किया। तो मैं क्या देखता हूँ बेटा जी, जैसे ही मैंने यूनिडायरेक्शनल सोर्स ऑफ लाइट को डाला इसके ऊपर, यानी जो ये कटा हुआ भाग था, ये बेटा जी बेंड कर गया। ये क्या हो गया बेटा जी, ये बेंड कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में ये बेंड कर गया। तो इससे क्या प्रूव होता है बेटा जी, यहाँ पे कैप तो बना रहेगा, अगार ब्लॉक बना रहेगा, यहाँ पे अगार ब्लॉक लिखा रहेगा, तो बेटा जी इससे ये प्रूव होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने कोलियोप्टाइल जो था, यानी सूट टिप था, उसको काट के अलग कर दिया, डीकैपिटेशन कर दिया, उसकी कैप को काट के अलग कर दिया, सूट टिप अलग, नीचे वाला पार्ट आपका अलग, क्लियर जी। इसको हम सूट भी बोल सकते हैं, सूट टिप है तो इसको मैं सूट बोल देता हूँ, क्लियर है जी। फिर मैंने क्या किया, ये जो सूट टिप थे उनको मैंने अगार ब्लॉक के ऊपर ग्रो कराया। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो केमिकल्स मौजूद थे सूट टिप पे वो डिफ्यूज होके, यानी कोलियोप्टाइल पे वो डिफ्यूज होके किस में आ गए, अगार ब्लॉक में। अब मैंने क्या किया कि ये जो बचा हुआ सूट था इसके ऊपर अगार ब्लॉक को जैसे ही मैंने रखा, और उसके बाद मैंने क्या किया बेटा जी, लाइट को एल्यूमिनेट कराया, तो मैं देखता हूँ बेटा ये अगार ब्लॉक भी क्या कर रहा है, बेंड कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो दिस प्रूव्स दैट कि हाँ भैया, कोई ना कोई केमिकल सूट टिप ने ट्रांसफर किया था अगार ब्लॉक में, जिसकी वजह से भाई कोलियोप्टाइल के पास ही तो कोई था, तो वो कौन सा केमिकल था, तो वो था बेटा ऑक्सीन। क्या था बेटा जी, कौन सा केमिकल जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, ये जो केमिकल यहाँ पे डिफ्यूज हुआ था, ये बेसिकली था बेटा ऑक्सीन। क्या था बेटा जी, ऑक्सीन। अब अगर मान लीजिए ये है, ये जो कटा हुआ सूट है इसको मैं लेता हूँ, ठीक है जी, इसको मैंने लिया, ठीक है, डीकैपिटेटेड सूट है, इसके ऊपर भी मैंने लाइट डाली इसके ऊपर, लेकिन बेटा जी देखता हूं यहां पे कोई भी बेंडिंग नहीं हुई, नो बेंडिंग इज सीन, यहां पे कोई भी बेंडिंग मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन वहां पे बेंडिंग मुझे देखने को मिली। इसका मतलब हो ना हो कुछ जो केमिकल सूट टिप में था, जो अगार ब्लॉक में गया था, और उसी अगार ब्लॉक के चलते वो लाइट के डायरेक्शन में बेंड किया। क्लियर है जी, समझ में आया जी। ये आपका ये एक बेसिक क्या था, एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था। फिर जो सूट, जो कटा हुआ सूट था उसको मैंने लिया, ठीक है, इसके ऊपर लाइट को डाला, भैया कोई भी बेंडिंग नहीं हुई, कोई भी बेंडिंग नहीं सीन हुई,
इसका मतलब क्या है समझते हैं आप, कि हो ना हो सूट टिप ने कुछ ना कुछ तो अगर ब्लॉक पे डाला था, कुछ केमिकल ट्रांसफर किया था, जो ट्रांसमिटेबल केमिकल था वो कौन था, ऑक्सीन। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी आपके ऑक्सीन की थी FW वेंट ने। याद क्या रखना है बेटा, कैनरी ग्रास में नहीं, एविना ग्रास में या एविना सेटाइवा में या ओट सीडलिंग में। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, इतनी अच्छी से किसी भी बुक में नहीं बना के दे रखा है, ठीक है जी। चलिए बेटे जी, अब हम देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन, दैट इज द गिबरलिन या गिबरलिक एसिड। देखिए स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे तो वहां बता रखा है कि भैया एक बैकनेट डिजीज है, मैंने बता भी रखा आपको पिछले क्लासेस में बताया था, फुली सीडलिंग डिजीज जो कि राइस में पाई जाती है। देखिए आपको लगेगा कि सीड, सीड में बेटा माल है, माल मतलब उसमें बेसिकली ग्रेन है, लेकिन बेटा वहाँ जब आप उसको सीड को तोड़ेंगे या बेसिकली अगर उस छिलके को निकालेंगे उसमें माल गायब होता है, यानी कि वहाँ कोई भी ग्रेन नहीं है, कोई भी चावल नहीं आपको मिलने वाला है। तो इसको बोलते हैं फुली सीडलिंग डिजीज या बैकनेट डिजीज जो कि पाई जाती है राइस के अंदर में। ये एक प्रकार के फंगस के द्वारा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। क्या बोलते हैं? गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई द बैकने और फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वॉज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन। एक फंगस है दैट इज नोन एज गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। तो किया क्या, जो ई क्यूरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट थे 1926 में, ई क्यूरोसावा, क्या नाम है बेटा, ई क्यूरोसावा जो कि नाम है 1926 में, उन्होंने किया क्या, देखिए उन्होंने स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया, यानी कि गिबरलिक फ्यूजिक्यूरोई का एक स्टेराइल सॉल्यूशन लिया। तो यहां मान लो मैंने सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर में क्या बेटा गिबरेला फ्यूजी क्यूरोई को लिया, किसके लिया, गिबरेला फ्यूजी क्यूरोई को उन्होंने लिया जो स्टेराइल, यानी कि बेसिकली अगर बोलेंगे फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस, बेसिकली उसमें फंगस थे, तो एक सॉल्यूशन, स्टेराइल का मतलब सॉल्यूशन लिया जिसमें गिबरेला फ्यूजी क्यूरोई नाम का क्या था बेटा जी, ये फंगस उसमें प्रेजेंट था। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने इस गिबरेला फ्यूजी क्यूरोई जो फंगस है इसको ट्रांसफर किया, यहाँ पे मान लीजिए ये एक है हेल्दी राइस प्लांट था, एक बहुत ही अच्छा हेल्दी, अगर बोलेंगे हेल्दी मतलब अच्छा, अच्छा राइस प्लांट था, उसके ऊपर गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई फंगस का सॉल्यूशन हमने क्या किया, इसका जो सॉल्यूशन था इसको स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड कर दिया, छिड़काव कर दिया किसके ऊपर, हेल्दी राइस प्लांट के ऊपर। तो इस जैसे ही हमने इस पे छिड़काव किया कुछ समय बाद इसमें देखा कि बेटा ये इन्फेक्टेड हो गया है, और इन्फेक्टेड हो गया मान लीजिए यहाँ पे पहले ग्रेन था, इस सीड के अंदर से ग्रेन था, ठीक है जी, लेकिन जैसे ही ये गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई को मैंने स्प्रेड किया जो उस छिलके के अंदर में ग्रेन था, माल था, वो गायब हो गया, यानी यहाँ पे केवल सीड बचा, नो ग्रेन, यहाँ पे कोई भी ग्रेन नहीं था, यानी इसको डिजीज हो गई। कौन सी डिजीज हो गई, फुली सीडलिंग डिजीज, यानी कि बेटा वो ग्रेन के डेवलपमेंट को रोकने लगा। तो देखा गया बेटा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई फंगस ने इस प्लांट में ऐसी क्या चीज ट्रांसमिट कर दी भाई, जिसकी वजह से जो ग्रेन पहले डेवलप हो रहा था नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसा क्या है। तो बेटा ये जो गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई ने क्या ट्रांसफर किया था, गिबरलिक एसिड, कौन सा एसिड, गिबरलिक एसिड ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ बेटा, उसके अंदर में ग्रेन फॉर्मेशन बंद हो गया। क्या ट्रांसफर किया था, गिबरलिक एसिड को ट्रांसफर किया था, यानी गिबरलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जो कि कहाँ से निकला था, बेसिकली आइसोलेट कहाँ से किया गया था, एक फंगस से, ठीक है जी। और जैसे ही ये बेसिकली एक्ट करता है किसी भी
राइस प्लांट के अंदर में, तो उसमें फुली सीडलिंग डिजीज को क्रिएट करता है। क्लियर है जी? अभी तक टिल नाउ अगर बात करें, टिल नाउ सो मोर देन 100 गिबरलिक एसिड आर प्रोड्यूस, या गिबरलिंस आर प्रोड्यूस, 100 से भी ज्यादा गिबरलिन अभी तक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, ठीक है जी। जिनमें से जो सबसे पहला गिबरलिन था, ये गिबरलिक एसिड था, वो था GA3। कौन था बेटा जी? फर्स्ट आइडेंटिफाइड गिबरलिन जो था वो था बेटा GA3 यानी गिबरलिक एसिड 3 जो पहला था। अभी तक हमें 100 से ज्यादा जानकारी हो चुकी है, गिबरलिंस प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनमें से जो पहला आइडेंटिफाइड था, जो पहला आइडेंटिफाइड गिबरलिन था वो था बेटा GA3। क्लियर है जी? तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी आपके गिबरलिक एसिड के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये सॉल्यूशन डाला आपने प्लांट में, तो उस प्लांट में क्या प्रोड्यूस होने लगा? गिबरलिक एसिड। और गिबरलिक एसिड ने क्या किया बेटा जी? भैया गया तो है ना फंगस, उसमें गया, फंगस उसमें लगा, गिबरलिक एसिड को उसने प्रोड्यूस किया। गिबरलिक एसिड जैसे ही प्रोड्यूस हुआ प्लांट में, फुली सीडलिंग डिजीज हो गई। यानी बेटा जी ये क्या कराता है? फुली सीडलिंग डिजीज। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी गिबरलिक एसिड की। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? क्यूरोसोवा इन 1926 रिपोर्टेड दैट द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन अनइंफेक्टेड राइस। कौन सा राइट है? हेल्दी राइस ना, अनइंफेक्टेड बोल सकते हैं। सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टराइल फिल्ट्रेट्स, यानी कि बेसिकली सॉल्यूशन दिया गया था ऑफ फंगस, द एक्टिव सब्सटेंस वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज गिबरलिक एसिड। तो जो कर्ज कर रहा था इस डिजीज को, बैकेने डिजीज या फुली सीडलिंग डिजीज, वो कौन था? गिबरलिक एसिड। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे हम, नेक्स्ट को अब पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा जी, अब देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन या काइनेटिन। साइटोकाइनिन को ही काइनेटिन भी बोलते हैं। क्लियर है जी? देखिए जब आप ये पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में जिक्र किया गया है एफ स्पूज नाम के साइंटिस्ट का, स्पूज भाई साहब का, एफ स्पूज एंड हिज को वर्कर्स ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट। देखिए इंटरनोडल, जैसे मान लीजिए ये कोई तंबाकू प्लांट है, यहां से कोई लीफ निकल रही है, फिर मान लीजिए ये रूट है, यहां से कोई लीफ निकल रही है, तो लीफ बेसिकली अराइजेस होती है फ्रॉम नोड। कहां से निकलती है? नोड। ये हो गई, ये भी क्या हो गई? नोड। अब भैया जो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको? दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोडल सेगमेंट। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। क्या बोलेंगे बेटे? इंटरनोड्स। तो ये जो तंबाकू प्लांट है, इनकी इंटरनोड से कैलस को लिया गया। किसको बेटा जी? कैलस को, जो बेसिकली उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मॉस है, उसका कोई स्पेसिफिक अगर बोले कोई फंक्शन नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड यानी अभी उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। तो एफ स्कूज एंड हिज कोवर्कर ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू स्टेम द कैलस। इन्होंने यहां से लिया बेटा किसको? कैलस को निकाला। किसको निकाला? कैलस को निकाला, जो कि बेसिकली एक मास है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का मास है, जिनमें अभी कोई भी डिफ्रेंशिएशन सेल डिवीजन नहीं हो रखा है। क्लियर है जी? तो उन्होंने निकाला वहां से कैलस। तो मान लीजिए इस कैलस को लिया गया लेबोरेटरी में, मान लीजिए यहाँ पे आइए से, ये एक ग्लास का डिश है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया बेटा कैलस को, ठीक है। अब क्या किया गया बेटा? कैलस में जब स्मॉल अमाउंट में डाला गया ऑक्सीन, जब इसमें बाहर से डाला गया बेटा ऑक्सीन, तो देखा गया क्या चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली जब ऑक्सीन डाला गया तो इसके अंदर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले, कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं हुआ, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ। तो इनके साथ साथ में ऑक्सीन के साथ में
जब डाला कैलस में कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बेटा जी जब ऑक्सीजन के साथ में कुछ और डाला, कुछ और मतलब कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ में आपका एक्सट्रैक्ट डाला वास्कुलर टिश्यू का, या एक्सट्रैक्ट ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला, या कोकोनट मिल्क डाला, या जो डीएनए पार्ट होता है उसके अंदर में उसको डाला। जब ऑक्सीजन के साथ में इन तीनों को डाला गया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट को या वास्कुलर टिश्यू को या कोकोनट मिल्क, कोई भी वन ऑफ द फॉलोइंग, सारे को नहीं डाला गया, कोई भी आप ले सकते हैं विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से एक कोई भी एक्सट्रैक्ट डाला, मैंने तीनों को लिख दिया है, इन तीनों में से केवल एक लिया गया ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ में जैसे मान लीजिए आपने एक्सट्रैक्ट वास्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट लिया, तो बेटा जी वास्कुलर टिश्यू के अंदर में भी कुछ ना कुछ ऐसी सेल होंगी जो क्या करेगी बेटा, ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही वो मिली इसने सेल डिवीजन स्टार्ट करा दिया, साइटोकाइनेसिस करा दिया। तो ऐसा क्या था भैया, फिर ऑक्सीजन, फिर लिया गया ईस्ट एक्सट्रैक्ट, फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट को लिया गया, फिर जैसे ही स्ट्रक्चर उसमें डाला गया ऑक्सीजन के साथ में सेल डिवीजन हो गया भैया। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट, ऑक्सीजन लिया गया कोकोनट मिल्क को डाला गया साथ में, फिर से क्या हो गया बेटा जी, सेल डिवीजन हो गया। तो आखिर ऑक्सीजन अगर अकेले डाला जा रहा था तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब जो बाद में हम एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, चाहे आप क्या डाल रहे हो, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल रहे हो, चाहे आप एक्सट्रैक्ट ले रहे हो वास्कुलर टिश्यू का, चाहे आप कोकोनट मिल्क ले रहे हो, इनमें कुछ ना कुछ तो केमिकल है जिसकी वजह से सेल डिवीजन प्रमोट हो रही है। क्लियर है जी, ऑक्सीजन का केवल काम रूटिंग होता है, उसका और कोई काम नहीं होता है, जो बेसिकली हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा क्या है इनमें, तो इन तीनों के अंदर में बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि एक केमिकल पाया जाता है, एक एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनिडीन। क्या बोलते हैं बेटा जी, काइनिडीन, यानी साइटोकाइनिन पाया जाता है इन सब एक्सट्रैक्ट के अंदर में, जो कि सेल डिवीजन कराने में मदद करता है। क्लियर है जी, तो यही लिखा स्कूज एंड मिलर, ध्यान रखिएगा एक साइंटिस्ट ज्यादा हो गया, स्कूज और मिलर इन दोनों ने मिलके लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये कैलस, अब कैलस में डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, एक से दो हुआ, दो से चार, इस तरह से साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट वे टर्म्ड एज काइनेटिन, जिसका नाम है बेटा काइनेटिन, या उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन। तो ध्यान से सुनिएगा, जब कैलस था केवल ऑक्सीजन डाला तो देखा कोई प्रोलिफरेशन नहीं हुआ, कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो इस ऑक्सीजन के साथ साथ में कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो वास्कुलर टिश्यू डाला, या तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला, या तो कोकोनट मिल्क और डीएनए, तो इन सभी के अंदर में एक एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन या काइनिटिन, जो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हुआ सेल डिवीजन होने लगा, डिफरेंशिएशन होने लगा। तो भैया वो कौन सा सब्सटेंस था जो आइडेंटिफाई किया स्कूज एंड मुलर ने, और उसको बोला काइनेटिन, और बाद में वही जाके पता चला क्या बेटा, साइटोकाइनिन। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, इस तरह से डिस्कवरी हुई आपके साइटोकाइनिन की। चलिए बेटा जी अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ अब्सिसिस एसिड, या इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ABA, अब्सिसिस एसिड। क्लियर है जी, सुनिएगा, ये दौर था 1960 के आसपास का, यहाँ पे तीन अलग अलग तीन अलग रिसर्चर ने अलग अलग रिसर्च की, और बेटा जी उन्होंने प्यूरिफाई किया और केमिकल कैरेक्टराइजेशन बताया, तीन डिफरेंट काइंड्स के इनहिबिटर्स बताए, कूद कूद के ये एक इनहिबिटर है, ये एक इनहिबिटर है, ये एक इनहिबिटर है, तीनों ने अलग अलग, एक ने क्या कहा कि भैया जो प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है, उसको उन्होंने बोला इनहिबिटर बी। दूसरे ने कहा कि जो पत्ते को झड़ने में मदद कर रहा है, या लीफ झड़ रही है,
वो भी किसकी वजह से चढ़ रही है भैया, अबसिसिन सेसिन की वजह से। तो उसने उसका नाम रख दिया अबसिसिन सेकेंड। किसी ने कहा कि सीड जो है एक इनएक्टिव स्टेज में चला जा रहा है, डोरमेंसी में चला जा रहा है, तो उसमें जो केमिकल पाया वो उसको बोल दिया डोरमिन। कूद कूद के कह रहे थे मैंने तो इनहिबिटर भी डिस्कवर की, मैंने ऑक्सीजन सेकेंड, मैंने डोरमिन, सॉरी डोरमिन। बेटा जी बाद में पता चला तीनों जो कूद रहे थे, तीनों ने जो आइडेंटिफाई किया था वो केमिकली आइडेंटिकल कंपाउंड था, कोई अलग तीन कंपाउंड नहीं थे, ना इनहिबिटर भी, ना ऑक्सीजन, ना डोरमिन, ये तीनों आइडेंटिकली सेम थे। और उसी को बाद में नाम दिया गया अब्सिसिस एसिड। क्या बोलते हैं बेटा जी? अब्सिसिस एसिड, जो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करती है। क्लियर है जी? तो इसलिए ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, बाद में हो सकता है कुछ और ही निकल जाए। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लेंगे, ये लेट 90s के, 1960 के आसपास में हुआ था। क्लियर है? चलिए बेटा जी, अब जो लास्ट दैट इज द इथाइलिन, जो बचा हुआ हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, वो क्या बेटा जी? इथाइलिन। ठीक है जी, वैसे आप इससे फेमिलियर होंगे, यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद करता है। लेकिन इसकी डिस्कवरी किसने की? तो इसकी डिस्कवरी किसने किसने की भैया? कजिन ने। किसने बेटा? बेटा मेरे चाचा के लड़के ने नहीं की, और ना तुम्हारे चाचा के लड़के ने, उस साइंटिस्ट का नाम है कजिन। ठीक है जी, ऐसा पता चला किसी ने पूछ लिया किसने की? कजिन, मेरे मेरे चाचा के लड़के? नहीं, उसका नाम है कजिन। कजिन कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलाटाइल सब्सटेंस। देखिए वोलाटाइल सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इजिली वेपोराइज हो जाता है एट द नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी अगर उसको रखोगे तो वोलाटाइल हो जाएगा, यानी कि लिक्विड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो कजिन है उसने कंफर्म किया रिलीज जो है, एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। कहीं किसी जगह पे कुछ पके हुए ऑरेंज रखे हुए थे, उन पके हुए ऑरेंज के अंदर में से क्या निकल रहा था बेटा? एक वोलाटाइल सब्सटेंस निकल रहा था, जिसकी वजह से उसके पास में रखा हुआ, उसके जस्ट पास में रखा हुआ क्या बेटा? बनाना पक गया। तो भैया ये ऐसा कौन सा गैस था जो निकल के गया आपके कहाँ से? ऑरेंज से, और पकाने में, राइपनिंग ऑफ बनाना में मदद किया। तो ये एक प्रकार की नेचुरल फाइटो हार्मोन कहा जाता है, जिसको हम लोग नेचर में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द इथाइलिन। इसी को बोला गया बेटा जी इथाइलिन, जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद करती है। क्लियर है जी? और यही एकमात्र गैसियस फाइटो हार्मोन है, यानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे। कजिन कंफर्म द रिलीज ऑफ अ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस दैट हैसन, मतलब हो गया बेटा तेजी से फैला। द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास, लेटर दिस वोलाटाइल सब्सटेंस वॉज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। इथाइलिन इसको बोला गया, अ गैसियस पीजीआर, गैसियस क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और इसको मैंने बोल दिया नेचुरल पीजीआर, चूंकि ये मौजूद होता है आपके प्लांट के अंदर में ही मौजूद होता है। क्लियर है जी? अब कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हम आपके घर में कोई बनाना आया, ठीक है, अभी वो पका नहीं हुआ है, तो आप मार्केट से ऐसा क्या खरीद के लाते हो जो कि राइपनिंग में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, हम मार्केट से कैल्शियम कार्बाइड को लेके आते हैं, और ये कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही मॉइस्चर के कंटेक्ट में आता है ये कन्वर्ट हो जाता है एक गैस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। और एसिटिलीन चूंकि ये मार्केट से आ रहा है, तो ये आर्टिफिशियल है भैया, आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल टाइप का एक हार्मोन है, दैट इज नोन एज एसिटिलीन। और ये एसिटिलीन मदद करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो कि आजकल मार्केट में ज्यादा ही चलता है, कार्बाइड का उपयोग करते हैं। अभी आम पका भी नहीं है, उसमें डाल दिया, आम पक गया, बनाना पका भी नहीं है, कार्बाइड में डाल दिया, पक गया बेटा। तो ये केमिकल की मदद से, आर्टिफिशियल केमिकल की मदद से करते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीजेज भी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है जी? तो कैल्शियम कार्बाइड इज ऑल्सो यूज इन सम कंट्रीज फॉर आर्टिफिशियली राइपनिंग, यानी ये ध्यान से सुनिएगा, यानी ये आर्टिफिशियल है, नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता है राइपनिंग फ्रूट। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर इट प्रोड्यूसेस एसिटिलीन गैस,
C2H2 which is similar in effect, जिसका इफेक्ट एकदम सिमिलर होता है टू दैट ऑफ द नेचुरल राइपनिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं इथाइलीन। क्लियर है जी? तो अगर पूछे नेचुरल राइपनिंग एजेंट यानी जो नेचुरली प्लांट के अंदर में पाया जाता है जो मदद करता है फूड की राइपनिंग में, होगा इथिलीन। और बेटा जो आर्टिफिशियली राइपनिंग एजेंट पूछ दे तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड या वही मॉइस्चर के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन में। क्लियर है जी? तो आज मैंने आपको जितनी भी डिस्कवरी थी एक एक करके लाइन बाई लाइन अच्छे से समझाई, जो एनसीईआरटी में नहीं भी बता रखा है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप एफडब्ल्यू वेंट का क्या कर पाए बेटा, बेसिकली समझ पाए कि किस तरह से डिस्कवरी हुई थी। तो स्टार्टिंग हमने की थी कि पहली बार इसको देखा कि लाइट की तरफ बेंड हो रही है कोलियोप्टाइड, किसने, चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने, लेकिन वो बता नहीं पाए कि एक्चुअल में ये है क्या बेटा, कौन सा केमिकल। इस केमिकल को आइडेंटिफाई किया किसने बेटा, एफडब्ल्यू वेंट ने। फिर उसके बाद तो ऑक्सीन की डिस्कवरी उन्होंने की, फिर उसके बाद आया आपका गिबरलिक एसिड, उसकी डिस्कवरी की ई क्यूरोसोवा ने 1926 में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एफ स्पूज के बारे में, उन्होंने क्या बताया बेटा, मिलर के साथ में मिल के बताया और आइडेंटिफाई किया काइनेटिन या साइटोकाइनिन को। फिर हमने पढ़ा मिड 1960s के आसपास में तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम दिया, क्या बोला, एक ने बोला भैया इनहिबिटर भी, एक ने बोला अब्सिशन सेकेंड, एक ने बोला डॉर्मिन, और इन बाद में पता चला बेटा दोनों सब कुछ रहे थे अलग अलग, एक्चुअली में इन्होंने एक ही कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया था, केमिकल कंपोनेंट दैट इज अब्सिशन एसिड। फिर लास्ट में आया आपका कजिन। क्लियर है जी? तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेटा अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करें ही करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में और इसको स्प्रेड करने में मदद करें। थैंक यू ऑल।